प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे एक तरफ तो पाकिस्तानी मंत्री ये कह रहे हैं कि नया भारत पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, और दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नेल्सन मंडेला से कंपेयर कर रहा है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शैला खान को, इनको भारत में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाइक खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। कि किसी भी अंग्रेजों को हमारे ऊपर उंगली उठाने की ताकत नहीं है, उंगली तोड़ देंगे, साथ में हाथ भी तोड़ देंगे। हमारे भारत का लूटा हुआ खजाना पहले अंग्रेज वापस करे। तो कल ये भी कह दिया कि अंग्रेज हमें आंख दिखाएंगे, हमें, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख करके अंग्रेज भागा था, हमारे वीर भगत सिंह जी की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था, हमारे सावरकर जी की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था। और भागा तो भागा, साथ साथ में भारत के सारे खजाने को लूट कर भागा। तो अंग्रेज हमें था, हमें आंख दिखाएंगे, हम अंग्रेज को आंख दिखाएंगे और उन्हें हमारी आंख देखनी पड़ेगी। और अगर हमारी आंख नहीं देखनी है, हमारा अहंकार नहीं देखना है, तो भारत से लूटा हुआ सारा खजाना पहले रिटर्न करो अंग्रेजों, हम पीओके में इलेक्शन करवाएंगे। अब जब पीओके जो है वो हमारे अखंड भारत का हिस्सा होगा, तो वहां पर जितने भी प्राण प्रतिष्ठा होंगे उसके इनॉग्रेशन के लिए कौन जाएगा? मोदी जी तो जाएंगे ही, हर हाल में जाएंगे, जाना ही है। क्या लिंक जो है, जाना ही है। आज भारत चांद पर जा रहा है, आज भारत सूरज को फतह करने की कोशिश कर रहा है, आज भारत के इसरो में मुसलमान युवा जवान लड़कियां काम कर रहे हैं, आज भारत में जो शिक्षित मुसलमान है वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका जा रहे हैं, और भारत देश इतनी तरक्की कर रहा है। भारत का अगर आप एडुकेशन का डेटा देखिएगा तो हम 79.8% शिक्षित है। और आज पाकिस्तान क्या कर रहा है? या तो 72 वर्जिन गुरुओं का दीवाना बन के घूम रहा है, और या तो फिर गटर में कूद रहा है, और या तो बम गोली बारूद कर रहा है। अभी अभी थोड़ी हो रही है, जैसे एपीओके से थोड़ा थोड़ा होता था, ब्लोच से थोड़ा थोड़ा होता था, अब वैसे ही सिन प्रोवान से भी धीरे धीरे आवाजें निकलनी स्टार्ट हो रही है। तो आप सोचिए कि आपका पाकिस्तान ऐसे ही तो इत्तू सा है, वो भी भीख मांगा हुआ है। वो तो नेहरू को मर्जी थी देने की, उसने बाप की जागीर समझ करके दे दिया नेहरू साहब ने पाकिस्तान जिन्ना को जमीन। अब आप उसमें से भी सोचिए कि पीओके अलग हो जाता है, ब्लोच अलग हो जाता है, सिंध प्रोवांस अलग हो जाता है, तो बचता। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों बहुत सच बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा सच बोलने से लोग जो है वो वायरल करते भी है और गालियां भी देते हैं। और जो खान टाइटल होता है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान में वायरल ही रहता है। अच्छा, ये क्या चल रहा है? एक तरफ से आप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इनको भूखा मरने देंगे, और ये दिन में दोस्त और रात में दहशत, कभी ऐसे बयान आते हैं, तो कभी आते हैं कि मोदी जी जो है पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। तो ये क्या चल क्या रहा है, इसकी बात की सच्चाई क्या है, और क्यों दोनों तरफ की आवाम को कन्फ्यूजन में डाल रखा है? देखिए, जब पहला सेशन जब हमने कुछ दिन पहले किया था शैला, तब आप कह रही थी कि पाकिस्तान का नाम आप लोग लेते क्यों है, तब मैंने आपको पूरे तथ्य और सत्य के आधार पर बताया कि हम नहीं लेते, कांग्रेस और इंडिया अलायंस पाकिस्तान का राग अलापते रहती है और तस्बीदाना पढ़ते रहती है पाकिस्तान पाकिस्तान। अच्छा, तो वो भी मैंने आपको पूरा क्लियर किया था, पूरे ब्लंट तरीके से मैंने क्लियर किया था। सलमान खुर्शीद की भतीजी का स्टेटमेंट मैंने सुनाया था, उसके बाद फिर मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट मैंने सुनाया था, अब्दुल्ला परिवार का स्टेटमेंट मैंने सुनाया था, राहुल बाबा का पाकिस्तानी मोहब्बत मैंने आपको बताया था, और नेहरू से लेकर के राहुल बाबा तक मैंने बाबर की मोहब्बत आपके सामने रखी थी। हाँ, ये आपकी पाकिस्तान मेनस्ट्रीम मीडिया है जो अब ये राग अलापना स्टार्ट की है और तस्बीदाना पढ़ना स्टार्ट की है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब तीसरी बार शपथ लेंगे तो वो पाकिस्तान आएंगे।
अच्छा मैं भी शॉक हो गई कि भाई ऐसी तो कोई बैठक हुई नहीं है, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। हाँ ये जरूर है कि 1947 में पाकिस्तान में पूरे पीओके पाकिस्तान जो पूरा है उसको लेकर के 1288 मंदिरें थी, जिसमें से अब सिर्फ 7 या 8 मंदिरें बची हैं, बाकी सबको आपने मूत्रालय हग्रालय क्या 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 बना दिया है, कहीं तो मुर्गी गोश्त का दुकान बनाया है, कहीं मटन गोश्त का दुकान बनाया है। तो मंदिरों को या तो आपने तोड़ा है, या तो कॉफी शॉप बनाया है, या तो हिंदुओं को चढ़ाने के लिए, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने वहां पर गोश्त की दुकान खोली है। अब क्योंकि कश्मीर में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सितंबर में इलेक्शन होने के बाद हम पीओके में इलेक्शन करवाएंगे, अब जब पीओके जो है वो हमारे अखंड भारत का हिस्सा होगा तो वहां पर जितने भी प्राण प्रतिष्ठा होंगे उसके इनॉग्रेशन के लिए कौन जाएगा? मोदी जी तो जाएंगे ही, हर हाल में जाएंगे, जाना ही है। लेकिन हम तो पीओके की बात कर रहे हैं, वो तो जाएंगे ही। पर आपके आपके पाकिस्तान की मेनस्ट्रीम मीडिया मुझे लगता है बावली हो चुकी है। मैं काफी पाकिस्तान के वेबसाइट वगैरह को पढ़ते रहती हूँ, मैंने देखा है कि गधी का दूध का कारोबार आप लोगों ने स्टार्ट किया है, और पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दे करके गधी का दूध आप लोग बहुत ज्यादा बेच भी रहे हो, और आपकी सरकार उससे सोच रही है कुछ कमा भी लेगी। तो मुझे लगता है कि मेनस्ट्रीम मीडिया में जो भी पाकिस्तान की एंकर्स बैठती हैं उनको कंटेंट और टॉपिक देने से पहले गधी का दूध पिला दिया जाता है, इसीलिए गधे जैसी बातें ये लोग करते हैं। आपको पता है दुनिया में सबसे महंगी जो चीज है वो गधी के दूध से ही बनती है, मेरे ख्याल से शायद अब कुछ ऐसी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। नहीं नहीं ये तो गधे खिला दिए, पाकिस्तान सबसे बेस्ट बना सकता है, जिहादी पाकिस्तान सबसे बेस्ट पैदा कर सकता है, आतंकवादी पाकिस्तान सबसे बेस्ट पैदा कर सकता है, गधी का दूध आप लोग ही पी सकते हैं, हम इन सब चीजों से दूर रहे। नहीं, हम नहीं पी रहे, एक्चुअली करप्शन इतनी ज्यादा है कि लाहौर के अंदर स्कैंडल ऐसे होते हैं, गधे का गोश्त खिला दिया, कुत्ते पका के खिला दिया, कछुए खिला दिया, हालांकि हम मुसलमान हैं, हमें तो हलाल और हराम का एक बड़ा आपको पता है वाजिया है, लेकिन क्या करें लोगों के अंदर वो कहते हैं ना सोच समझ ही नहीं है, कुछ भी बना के खिला देते हैं। आपके मिनिस्ट्री मीडिया में नेल्सन मंडेला की बात चल रही है, एवरीवन नोज अबाउट हिम, कौन नहीं जानता, जो भी शिक्षित आदमी है, जो भी पढ़ा लिखा इंसान है, जो भी ह्यूमैनिटी को सबसे आगे रखता है, जो भी कल्चर को सबसे आगे रखता है, जो भी जजमेंट को और जस्टिस को सबसे आगे रखता है, जो भी टेरर को सब को गलत नजरों से देखता है, वो नेल्सन मंडेला को जरूर जानता होगा। नेल्सन मंडेला फाउंडर थे पीस के, उन्होंने जिस तरह से एक मुहिम छेड़ी थी नार्सिस पर्सनालिटी को के खिलाफ, उन्होंने रेसिस्ट पर्सनालिटी के खिलाफ, जो लोग हेट्रेड फैलाते हैं उनके खिलाफ, जो लोग जजमेंट जस्टिस नहीं मानते हैं उनके खिलाफ, जो लोग एंटी ह्यूमैनिटी करते हैं उनके खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी, और उस मुहिम में उनको बहुत सक्सेस भी मिला था, उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी किया था और बड़े बड़े पदों पर भी बैठे थे। और तब से नेल्सन मंडेला हमेशा से सबके दिल में घर कर गए, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में वो एक बड़े 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 नाम के तौर पर जाने जाते हैं, नहीं, ये पूरी दुनिया, इस पूरी दुनिया का हर वो व्यक्ति जो वाकई में इंसानियत पर सबसे पहला भरोसा करता है, रंग रूप पर नहीं, मजहब और धर्म पर नहीं, हेट्रेड पर नहीं, जिहादी एक्टिविटीज पर नहीं, आतंकवादी एक्टिविटीज पर नहीं, जो लोग इन सारी चीजों से नफरत करता है वो नेल्सन मंडेला से जरूर मोहब्बत करता होगा, हर हाल में मोहब्बत करता होगा। फिर पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा लफ्ज चुना ना आपके प्रधानमंत्री के लिए, डेफिनेटली हम हमेशा अच्छे अल्फाज चुनते हैं, आप कहते हो कि घर में घुस के मारेंगे, हमने कभी कहा है ऐसा कुछ, हम तो आपके अब देखिए शैला, अब आप मुझे मतलब मेरा टेम्परमेंट हाई करने वाली बात कर रही हूँ, मैं सोची थी कि आज हंसी खुशी आपके साथ सेशन करूंगी, पर आप टेम्परमेंट हाई करने की हम तो अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं, हम तो अब पीस प्रमोट कर रहे हैं, तो आप कहते हो घर में घुस के मारेंगे, अब फर्क तो आता है ना, देखिए हम आपके प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए रेडी हैं। वैसे ये हाफिज सईद ने अजमल का सबको क्यों भेजा था शैला,
वो वैसे तो हमारे 2023 में नवाज शरीफ जो है वो यासीन मलिक की बेटी से मोदी जी को डिफेम और मलाइन क्यों करवा रहा था, जो यासीन मलिक भारत के जेल में जो आरोपी है, जिहादी है, आतंकी है, जिसने कश्मीर में जेनोसाइड और नरसंहार किया था नहीं, बेनजीर भुट्टो। पाकिस्तान में तो यासीन मलिक लीडर के तौर पे माने जाते हैं ना, तो अपनी अपनी आइडियोलॉजी देखिए का फर्क आ जाए, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करते, मैं पहले नहीं, बता ये रही हूँ। मुझे हाँ क्लियर करने दीजिए। देखिए हमारे यहाँ, मैं फिर से कहूंगी कि हमारे यहाँ भारत में मुसलमान में जो सही और सच्चा मुसलमान है, जो वाकई में सुन्नत रसूल पर चलता है और वाकई में वो ह्यूमैनिटी को फर्स्ट रखता है, इंसानियत को पहले प्रथम रखता है। हमारे यहाँ मुसलमान में एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होते हैं, आपके यहाँ हाफिज सईद पैदा होते हैं। हमारे यहाँ मुसलमान में तारिक फतेह साहब पैदा होते हैं, आपके यहाँ दाऊद इब्राहिम पैदा होता है। हमारे यहाँ मुसलमान में अगर एक्टर के रूप में लिया जाए तो शाहरुख खान और सलमान खान पैदा होते हैं, और आपके यहाँ ऐसे ऐसे आतंकी एक्टर पैदा होते हैं जो हाथ में बंदूक लेकर के फोटो खिंचवाते हैं। आप हमारे यहाँ क्रिकेटर मोहम्मद शमी पैदा होता है, आपके यहाँ ऐसा ऐसा होता है जो ग्राउंड पर ही गाजा और फलस्तीन को समर्थन देता है, तो फर्क तो है बिल्कुल। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और नाजी अलाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे भारत की बेटी नाजी अलाई खान जी ने न सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया और पाकिस्तान की भी खूब बेइज्जती की, और दूसरी उन्होंने बात की भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिनकी आजकल काफी चर्चा हो रही है पाकिस्तान में, खासकर चुनावों के वक्त पे, जहां पे पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि मोदी जी अगर पाकिस्तान में आएंगे तो वो इस सदी के नेल्सन मंडेला होंगे। और खासकर ये बयान आया है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एनालिस्ट और मशहूर पत्रकार हसन निसार साहब की तरफ से। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।